करेंगे सनातन धर्म पर उदय निधि के विवादित बयान के बाद सियासी पारा काफी गर्म है। तो वहीं संत समाज भी काफी ज्यादा आक्रोशित है और इस बीच जगत गुरु रामभद्राचार्य ने उदय निधि पर निशाना साधते हुए कहा कि सनातन का विरोध करने वाले मूर्ख हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सनातन को नष्ट करने वाले खुद ही नष्ट हो जाएंगे। आइए सुनाते हैं आपको टाइम्स नाउ नव भारत से खास बातचीत में उन्होंने क्या कहा। ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि सनातन धर्म को लेकर जो लोग सवाल खड़े कर गए हैं उन्हें आप पहले क्या जवाब देना चाहते हैं? वे मूर्ख हैं। तो मूर्खों को कुछ जवाब ही नहीं देना होता। सनातन धर्म शाश्वत धर्म है, वो कभी नष्ट नहीं होगा। उसको नष्ट करने वाले स्वयं नष्ट हो जाएंगे। ये कहते हैं कि मलेरिया है, डेंगू है, ऐसी भाषा का इस्तेमाल। मैं कह रहा हूँ ना, मूर्खों की कोई भाषा होती क्या? उदय निधि ने जो कहा उनका दुर्भाग्य। सिर्फ उदय निधि ने ही मांगा, जब एक और नेता है प्रकाश अम्बेडकर, वो कहते हैं कि ये सनातन यानी छुआछूत। नहीं, सनातन माने नित्य। यदि सनातन माने छुआछूत होता तो सनातन पुरुष भगवान राम शबरी के जूठे बेल क्यों खाते? यदि सनातन धर्म में छुआछूत होता तो भगवान कृष्ण बिदुर के यहाँ साग खाने क्यों जाते? यदि सनातन धर्म में छुआछूत होता तो भगवान राम निषाद को क्यों गले से लगाते, अपना मित्र क्यों बनाते? ये भी जानना चाहता हूँ कि आखिर ये जो मानसिकता है, ये जो विचार था, जो लोग ऐसे बयान देते हैं, हिंदू जो है उनका सामना कैसे करे, क्या कैसे लगे? बस शास्त्रों से। मैं उन पर आप चिंता मत करो। क्या हिंदू राष्ट्र को लेकर के आपकी क्या विचार था कि कैसे उसकी संकल्पना होनी चाहिए, कैसे संरचना होनी चाहिए? क्या हिंदू राष्ट्र एक जरूरत है? हाँ, अब तो आवश्यकता है, क्योंकि हिंदुत्व एक बार कोर्ट ने भी कहा था हिंदुत्व तो भारतीयता का पर्यायवाची। हिंदू माने भारतीय, तो भारतीय राष्ट्र तो होना ही चाहिए।